ऐसा करते हैं, एक दो दिन में हम दोनों जाते हैं उनके पास। जो मजा आमने सामने एक दूसरे को लाने देने में होगा ना, वो फोन में कहाँ है। अच्छा हाँ सही है, ठीक है मैं बताता हूँ तुझे। कोई मलिक अला यार आए थे अपने पोते के लिए, उनका नाम ना अम्मी ने पूछा ना उन्होंने बताया। वालेकुम सलाम। हाँ भाऊ कहाँ जाना है? मलिक अला यार के ढेरे, यहाँ से कितना आगे? पैदल जाएं तो 20 मिनट का रास्ता है, अगर बाइक पे जाएं तो 5 मिनट का रास्ता है। वैसे खैरियत है, क्यों जाना है और वहाँ किससे मिलना है? मलिक शाहजैन से। कब से आपसे कह रहा हूँ लेकिन आप मेरी बात ही नहीं मानते। आज मेरी फरमाइश पे ना आप अपने बालों का रंग लगवा लें, देखें फिर आपकी जवानी 20 साल पीछे ना चली गई ना तो मेरा नाम बदल देना जी। तो मेरी जवानी पीछे चली जाने का क्या मतलब है? और रहने दे ओए, मेरी उम्र पीछे जाए ना चाहे पूरे गांव की कुत्ते बिल्लियां मेरे पीछे जरूर पड़ जानी है। मुझे घबरा करने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर सीधा सीधा चुप करके। बस जी काम मुक गया जी। वैसे मलिक जी आज भी आप 20 साल के जवान लगते हैं, ना तो आपके चेहरे का मांस लटका है और ना ही आपके चेहरे की लालियों में कोई कमी आई है। आपका मुंह तो 14वीं के चांद की तरह चम चम करता है जी। चम चम करता है, जरा इधर आ रहा मेरे सामने चम चम। दाढ़ी मुक गया तेरे घर पे? जी। तो ये बकवास करना, सीधी सीधी खुशामद करके अपना काम कराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ओ दत्तू, ओ इसके सर पे दानों की बोरी रख के इसको भगा इधर से। जो एक मिनट ये इधर और खड़ा रहा है इसे मुझे बगदाद के पीर के लाश साबित कर देना है। और निकल इधर से, सामान रख अपना इधर, जा इधर से। मलिक जी, छोटे मलिक साहब का दोस्त आया जी पिंडी से। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भैया पुत्रा, हाँ शाबाश। क्या हाल है तेरा? मैं जी ठीक। हाल तेरा पुत्र? चल ओ मुलाजम जी, ओ जा भी चाय पानी का इंतजाम कर। अच्छा जी। वो तो दो तीन दिन से गायब है, वो शिकार पे गया अपने यार दोस्तों के साथ। अच्छा, वो तभी उसका मोबाइल नहीं लग रहा था। पुत्र आजकल तो उसका ना मोबाइल लग रहा है ना वो आप हत्ते लग रहा है। तू खैर ना लिया आया ना, सब ठीक है? जी बड़े अरसे से मुलाकात नहीं हुई थी तो मैंने सोचा मिल लूं। चंगी गल है पुत्र, यार दोस्तों के साथ मिलना मिलाना अच्छी बात होती है। ओए मुलाजम हुसैन जी, ओ इसके लिए अच्छा से खाने का इंतजाम कर, दो साथ वाला कमरा भी अच्छा साफ करा दे। नहीं नहीं दादाजी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने आज वापस चले जाना है। ओए ऐसे कैसे वापस चला जाएगा पुत्र? ओ जिसे मिलना आया उससे मिलेगा नहीं, वो आ जाएगा एक दो दिन में। जब तक वो नहीं आता आराम से इसको अपना घर समझ। मलिक जी, छोटे मलिक साहब भी आ गए जी अल्लाह के हुक्म से। ले फिर आ गए। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज, कब आया तू? वो अभी आया पुत्र, अब इसको ऐसे खड़े पैरना इधर से टोरना, ये तो हवा के घोड़े पे सवार रहा है। बोलते आज जी इसने वापस जाना है, इसकी टिका के खिदमत कर, अंदर लेके जा इसको। मैं जाने दूंगा तो जाएगा ना दादाजी, चला अंदर आ, तेरी टिका के खातिरदारी करूंगा। जरूरी है तो उठाओ ना, रहने दो। अम्मी हैं जी? अम्मी मैं हूँ जी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ।
वो मैं रूम में हूँ ना, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी कर रही हूँ। ओह अच्छा, मैं भी पीसीओ में हूँ। अच्छा सलीम अंकल, आपको एड्रेस याद है ना मेरा? जी जी, मैंने कर लिया था नोट। तो एक खत में सारे डिटेल्स लिख दीजिए प्लीज। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है, आप टेंशन ही ना लें। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं फौरन लिखूंगी। अम्मी आपकी आवाज बहुत कट रही है, मैं बाहर आती हूँ। पूछो सलीम अंकल, मैंने अपनी हंसी किस तरह रोकी है। कसम से जब भी तुम्हें अम्मी कहती थी ना, मेरे पेट में इतना जोर का दर्द होता था कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसीलिए बाहर निकल आई। चलो आपने तो रोक ली, मैं तो ना रोक सकता ना हंस सकता सलीम अंकल। तो ले आते ना छुपा के मोबाइल अकेडमी में। हाँ इरादा तो था लेकिन रूल्स नहीं ब्रेक कर सकता, हंसना नहीं चाहता बस। रूल्स और दिल टूटने के लिए तो होते हैं जेंटलमैन कैडेट। हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है सलीम अंकल, लेकिन मैं दोनों नहीं तोड़ूंगा। सोच लो। पहले दिन ही सोच लिया था। अच्छा सुनो, मेरे किसी खत का जवाब मत देना। यहाँ लड़कियाँ भी वैसे ही जज करती हैं जैसे अभी तुम्हें तुम्हारा पीसीओ वाला कर रहा है। अच्छा सुनो, खत लिखते रहना, जब आओगे तो साथ ले आना। ओके अब आ भी जाओ यार। ओके अब। अच्छा अम्मी अब मुझे जाना होगा, ठीक है? आप अपना और अब्बू का ख्याल रखिएगा, मैं डिटेल सारी लिख दूंगी। ओके श्रीम अंकल, खुदा हाफिज़। हाँ जी कितना हो गया? जी कितना हो गया? काम नहीं करते, दोनों पत्थर है पत्थर। कितना हो गया? हाँ 10 रुपए। उस लड़की के घर जाते हुए उसका रिश्ता मांगते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू जानता है कि सादा उसे पसंद करता था, फिर भी तू चला गया। वो कितनी कॉलें कर रहा है मुझे, मैं उससे बात नहीं कर सक रहा, क्या बात करूं? तो तुम उससे बात करने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तू नहीं है लेकिन मैं तो हूं ना इस काबिल। उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे कह सकता हूं कि जिस लड़की के पीछे उसने दोस्ती का रिश्ता तोड़ा था ना, उसी लड़की से मलिक शाहजैन बीवी का रिश्ता जोड़ा है। नंबर मिला उसका, मैं खुद उसे यह खुशखबरी दूंगा। क्या पागलपन है यार, ये क्या हो गया? कुछ नशे वशे तो नहीं करना शुरू हो गया? इसमें पागलपन की क्या बात है, वो लड़की मुझे भी पसंद है। अब देखना यह है कि कौन उसे जीत के ले जाता है, वो फौजी या मलिक शाहजैन। क्या हो रहा है भाई? वो वहां हमें इकट्ठा करने की बातें कर रहा है और तेरे यहां मलिक शाहजैन के डायलॉग नहीं खत्म हो रहे? तो होंगे ना, सब होंगे इकट्ठे मेरी शादी पर। भाई भाई तुझे पता ना, अगर ऐसा हुआ तो हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पाएंगे पूरी जिंदगी। मैं उसकी शक्ल देखना भी नहीं चाहता। वो चाहता है ना, तू भी चाहता है, मुझे पता है, मुझे पता है तूने सब कुछ गुस्से में किया है। सादे ने भी ये सब गुस्से में किया था ना यार, जिस तरह वो अब शर्मिंदा है ना, तू भी इसी तरह शर्मिंदा होगा। वो माफी मांगना चाह रहा है यार तुझसे। अब मैंने उसकी दुम पर पैर रखा है तो माफी याद आ गई उसे। देख उसने तेरे साथ गलत किया, तूने उसके साथ किया, हिसाब बराबर ना हो गया। अब भूल जा यार सारी बातें, अब छोड़ दे जिद और दुआ को। देख अभी सादे को नहीं पता इस बात का, इस मुर्दे को यहीं दफना दे, नहीं तो इसकी बदबू सबको सुननी पड़ेगी। ओ मेरे यारा तेरी यारिया, कर लेना यार। दिल की वफा मेरी खुशियां तो सारियां, बात करा उससे मेरी, होंगे ना जुदा। दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। मेरे ख्याल से वो पीए में चला गया, यहाँ फोन अलाउड नहीं है। कुछ 24 घंटे से ज्यादा गुजर चुके हैं, स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक कातिल जो है वो नहीं मिल जाता तब तक ये धरना देते रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। इनका कहना है कि इन्होंने इंतजामिया को 2 घंटे का वक्त दिया है, 2 घंटे बाद भी अगर कातिल नहीं मिला तो ये अपने साथी की लाश लेके जाके गवर्नर हाउस के सामने रखेंगे और वहां जाके धरना देंगे। कैमरामैन माजिद मुमताज के साथ सिटी 22 के लिए मैं हूँ रमशा जफर। देखो सही है,
चलो चलो चलो। अरे मैडम भूख बहुत लगी है, मैं जरा खाने का जुगाड़ कर लूं। जल्दी आ जाना, शायद गवर्नर हाउस जाना पड़े, कुछ पता नहीं वहाँ से कोई ब्रेकिंग या रेटिंग वाली न्यूज़ मिल रहा है। जल्दी आओ। ओके ओके। मैडम मेरे पास एक ऐसी चीज है जो अगर चल गई तो कातलों के दिमाग और आपकी रेटिंग भी जो फट जाएंगे। सदावे बहुत सुन चुकी हूँ मैं, सुनाता नहीं दिखाता हूँ। देखो अगर तुम ये वीडियो मुझे दे दोगे ना तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारा नाम नहीं आने दूंगी। एक सहाफी जो होता है ना वो अपनी जान दे देगा लेकिन अपनी सोर्स का नाम कभी नहीं बताएगा। तुम्हें किसने कहा कि मेरा नाम ना आए? मैं तो चाहता हूँ कि मेरा नाम आए और सोर्स मैं तुम्हारा नहीं तुम मेरा बनोगी, तुम मुझे आगे लेके जा सकती हो। तुम्हें किसने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी? ठीक है तो फिर मैं किसी और से बात कर लेता हूं। सुनो क्या चाहते हो तुम? जुल्म जब हद से गुजरता है तो मिट जाता है। शायद खुदा ने तुम्हें जज्जी पहलवान के जुल्म को खत्म करने के लिए पैदा किया है। वो क्या नाम बताया था? अफसर शारिक हबीब। हाँ क्या करती हो? जी बीए कर रहा हूँ फिलहाल लेकिन जर्नलिज्म करने का इरादा है। शारिक ये बताओ कि ये वीडियो और कितने लोगों के पास है? किसी के पास नहीं है सर, बस सिर्फ इस मोबाइल में। मेरे चैनल को ज्वाइन कर लो। देखो रिपोर्टिंग के साथ साथ पढ़ाई भी होती रहेगी। मैं तुम्हारे मुस्तकबिल को चमकते सूरज की मानिंद देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच। चची पहलवान को तो अब उसका बाप भी नहीं बचा सकेगा और उस मजलूम स्टूडेंट का खून रहेगा नहीं जाएगा। चलो सर वीडियो के साथ रिपोर्ट ऑनर कर दूं सर? नहीं इस रिपोर्ट को बिल्कुल ऑनर नहीं करना। ये वीडियो हमारे पास एक सबूत है और ये सीधा अदालत में चलेगा। देखिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट उस मजलूम स्टूडेंट को इंसाफ दिलवाना है, अपने चैनल की रेटिंग को बेहतर नहीं करना। और ऐसा कीजिए कि इसे आज ज्वाइन करवा दीजिए, चंद दिन आपके साथ रहेगा, अपना काम सीख जाएगा और इसका प्रेस कार्ड भी बनवा दीजिए। ठीक है सर। मैं आईजी साहब से बात कर लूं। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। ठीक है सर। थैंक यू। हाँ मिलेंगी, जजी पहलवान से बात कराऊंगा। जितना हफ्ता तुम्हारे थाने जाता है ना उसका दसवां हिस्सा भी अगर मैं किसी सील जानवर पर लगाता तो वो भी आज बौंग बौंग कर उनको घरों तक पहुंचाता। कल से वो धरना देकर बैठे हैं और तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या करना है? मारो बगैरतों को। बाबू अशरफ बात करना चाहता जी आपसे। कोई शर्म कोई हया है तुम्हें अशरफ बाबू? तुझे अपने साथ बिठाकर रोटियां खिलाई है मैंने। जिस जमीन पर तू अपना दो नंबर चैनल खोलकर बैठा है ना वो भी मेरे बंदों ने तुझे मुफ्त में दी है। कॉलेज के 20-25 छोकरों ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की
जितना तुम्हारा एक चैनल कर रहा है। और यार तेरा गुस्सा अपनी जगह बिल्कुल बजा है। पर ये जो कुछ हुआ है उसमें मेरी इजाजत शामिल नहीं थी। अच्छा यार दोबारा नहीं होगा। और दूसरी बात ये कि तुझे अल्लाह ने बचा लिया, मुझे वसीला बनाया तुम्हारा। जल्दी पहुंचो। वालेकुम सलाम। आ गया याशियां करके? कोई याशी नहीं की, पर जब सोचता था ना तो तेरी मनहूस शक्ल मेरे सामने आ जाती थी। और हाँ, मेरे अंदर से एक आवाज आती थी जो कहती थी कि जीसी साथ तुम्हारा रूम में छुट्टी पर नहीं गया और तुम याशी का सोच रहे हो। और फिर ये आवाज मेरे सोते हुए जमीर को जगा देती थी और फिर मैं दोबारा सो जाता था। सारी छुट्टी ऐसे गुजरी है सोते हुए। इतना ख्याल होता ना तुझे मेरा, तू अकेले छुट्टी पर न जाता बल्कि उस सिस्टम के सामने खड़ा होता, आवाज उठाता, एहतजाज करता। उस वक्त तो तू निकल गया और अब डायलॉग मार रहा है। चलो सिस्टम के सामने नहीं खड़ा हो सकता लेकिन तेरे साथ खड़ा हो सकता। चल कहाँ? स्टाफ को पकड़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं दोनों भाई। तुझे अगला सलूटिंग टेस्ट पास करा के ही रखूंगा। चल मुझे नहीं जाना कहीं, मेरी किस्मत में जो लिखा है मैं राजी हूँ उस पर। बकवास मत कर, जा शाबाश चेंज कर। बकवास मैं नहीं, बकवास तू कर रहा है। मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो एक बार टेस्ट पास करने के बाद दोबारा टेस्ट दूँ। तू पास हो गया? हाँ ना। कैसे? परसों मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट लूंगा और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस एकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो और तुम्हें यहां से जाना होगा। इंप्रेसिव मिस्टर गुलजार, बॉस बॉस से पहले ऐसा सलूट मारा कि खुद मुझे मजा आ गया। अल्लाह की कसम है अपने आप पर फखर होने लग गया। फिर उसी दिन निकल गया छुट्टी पर, लेकिन एक बात का गम है। किस बात का? कि तूने 10 दिन छुट्टी मारी और मैंने 6 दिन। फिर भी मेरा जर्फ देख क्या लाया हूँ तेरे लिए, अम्मा ने अपने हाथों से बनाया। पिघलने का मसला ना होता तो गांव से कुएं वाली कुल्फी भी लाता। थैंक यू। ऑल राइट जेंटलमैन, कल हम एक्सरसाइज किक ऑफ पे जाएंगे। इसके लिए मैं शाम को 7 बजे आपकी कंपनी लाइंस में आऊंगा किट इंस्पेक्शन के लिए। क्योंकि ये आपकी पहली एक्सरसाइज है पीएमए टेन्योर की, तो हम सिर्फ 25 किलोमीटर चलेंगे। हर कैडेट अपने साथ अपना पर्सनल वेपन और पर्सनल किट लेके आएगा और पूरी प्लटून अपने साथ 6 LMGs कैरी करेगी। फॉर दिस एक्सरसाइज वी विल गेट फॉलन इन द असेंबली एरिया एट 0500 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड द रूट फॉर दिस एक्सरसाइज वुड बी एप्टाबाद एंड सराउंडिंग एरियाज। आई होप यू ऑल गॉट इट। यस सर। गुड। सादा कब आएगा? पता नहीं यार, कॉल करके चेक कर लूँ। नहीं की तो वो खुद कॉल करके बता देगा छुट्टी पर आ गया। मुझे भी बता देना, मैं आ जाऊंगा। सरप्राइज देंगे मनोज को। डन है। सारे को भी ट्रेस करता हूँ। हाँ यार उसे भी पकड़, मुद्दत हो गई एक दूसरे के भूते नहीं देखे। चल करता हूँ। तेरे दादाजी जो है तेरी शादी को लेके सीरियस है, ऐसे मजाक कर रहे थे? उनका बस चले ना तो आज ही करा दें। भाभी का क्या नाम? रानी। अम्मा मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उनको दावत पे बुला लो। नहीं पुत्र, अच्छा नहीं लगेगा। उसकी माँ ने एक बार भी रिश्ते की बात नहीं की। अब मैं उसको बुलाऊंगी ना तो उसको लगेगा कि अल्लाह ना करे तेरे में कोई ऐब है और मैं उसके बेटे के पीछे पड़ गई हूँ। तुम कहाँ पीछे पड़ी हो अम्मा? वो तो मेरा मतलब है किसी को कुछ नहीं लगेगा अम्मा, तुम
बस बुला लो उन्हें। अपने बाप और भाई से मशवरा कर लेने दे मुझे। अम्मा इस्लामाबाद में धरना तो नहीं देने जा रहे ना, जो बाप और भाई से मशवरा किया जाए। मशवरे की क्या बात है इसमें? पुत्र तू समझ नहीं रही है, ये मामलात इतनी जल्दी नहीं करने वाले होते, इज्जत और भरम भी रखना पड़ता है। उसकी माँ ने इतना सा भी इशारा नहीं दिया, मैं तुझे और अपने आप को क्यों जलील करूं? तुम समझ नहीं रही अम्मा, मैं तेरी प्यारी अम्मा, मैं ये कह रही हूँ कि एक दफा जो हम उनके घर खाना खा कर आए हैं ना, बस वैसा ही खाना, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा खाना हम अपने घर में बनाते हैं और उनको दावत पे बुलाकर हिसाब बराबर कर देते। बल्कि कहते हैं कि रानी पास हुई है, उसी खुशी में दावत है। सोलाने ठीक कह रही है मेरी बेटी। अब्बा दुश्मन के इंतकाम और दोस्त का एहसान फौरन उतारना ही गैरतमंदों की निशानी होती है। आए बेटे चाय पिए, चाय बना के दो। हाँ हाँ क्यों नहीं। शकल से एकदम लल्लू लगते हो लेकिन तुम जितना जमीन के ऊपर हो ना, उतना जमीन के अंदर भी हो। बड़ी जल्दी बॉस को इम्प्रेस कर दिया है। हाँ, लोगों के वीडियोस बनाने के अलावा क्या काम करते हो? बीए कर रहा हूँ और फिर जर्नलिज्म करूँगा। दो तीन साल लगा के जर्नलिज्म की डिग्री पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सीरियसली लॉटरी लग गई है तुम्हारी, बॉस ने तुम्हें डायरेक्ट जूनियर रिपोर्टर की पोजिशन दी है, और क्या चाहिए? जर्नलिज्म पैशन है मेरा, लॉटरी नहीं है मेरे लिए। और मुझे सारी ज़िंदगी ये जूनियर रिपोर्टर बन के नहीं रहना, ये मौका तो पहला कदम है मेरे लिए, बहुत आगे जाना है मुझे, मंजिल अभी बहुत दूर है। देखो इस सफ़र का सबसे पहला और सबसे अहम सबक, ये जो वीडियो तुमने बनाई है ना, इसको फ़ौरन अपने लैपटॉप में या अपने किसी काबिल एतमाद दोस्त को व्हाट्सएप कर दो, कहीं पर इसका बैकअप बना लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर ये ज़ाया हो गई ना, तो बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें भेज दूँ? पागल। दूसरा सबक, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, कॉलीग हूँ, कॉलीग पे एतमाद नहीं करती। फिर काबिले एतमाद दोस्त तो एक ही है, लेकिन उसका मोबाइल भी जज्जी ने तोड़ दिया और लैपटॉप मेरे पास है नहीं, तो दोस्त समझकर तुम्हें भेज देता हूँ, ठीक है? पहलवान जी मुझे एफआईआर काटने दें, इतनी कच्ची एफआईआर काटूंगा तो अगर आपको पहली पेशी में जमानत ना मिली तो अपनी पेटी उतार के रख दूंगा। क्या बात, मैं भी ऐसी पक्की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखूंगा कि आप दूसरी पेशी पर ही बाइज्जत बरी हो जाएंगे पहलवान। और बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो, उस लड़के के हाथ में कुछ नहीं है, तुम अल्लाह के फजल से बिल्कुल महफूज हो पहलवान। अगर वो लाश को लेकर कॉर्नर हाउस के सामने चले गए, मसला बिगड़ जाएगा, ऊपर से प्रेशर आएगा, हालात खराब हो जाएंगे। मिलन जी ईंट उठा के लाओ। दस दे के दादा साहब दो मिलेंगी, तुम लोगों की देखे तब तक नहीं पहुंचेंगी जब तक तुम लोग मुझे इस मुश्किल से निकाल नहीं देते। वो जो बच्चा नहीं आया उसे भिजवाओ। यार चौधरी मुझे तो उसने यही कहा है कि उसके पास और कोई कॉपी नहीं है, बहरहाल तुम अपने तरीके से कंफर्म कर लो। ठीक है, आओ बच्चे आओ आओ। ये है वो बहादुर बच्चा जिसने अपनी आंखों से जज्जी पहलवान को एक मासूम बच्चे का कत्ल करते हुए देखा है, बल्कि इसने बड़ी बहादुरी से अपनी जान पे खेल के उस पूरी वारदात की वीडियो बना ली। बहुत खूब बच्चे, अब तुम्हारी मेहनत रायगा नहीं जाएगी, कानून ने जज्जी पहलवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
और पोस्टमार्टम करा के बच्चे की तदफीन करा दी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अमन अमान में कोई मसला पैदा नहीं हुआ। बच्चे, अब हमारी सारी उम्मीदें तुम पर हैं। तुमने अदालत में पेश होकर सिर्फ गवाही ही नहीं देनी बल्कि वो सबूत भी पेश करना है जिसकी बिना पर मैंने जजी पहलवान पर केस बनाया। जजी पहलवान जब उम्र से वापस आएगा तुम उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश करूंगा। तो यार चौधरी, इस बच्चे की मेहनत जाया तो नहीं हो जाएगी? नहीं नहीं, मैं खुद जाया हो जाऊंगा। इस बच्चे की मेहनत जाया नहीं होने दूंगा। अच्छा बच्चे, वो वीडियो आपके पास महफूज है ना? भाई बोल ना, कहाँ है वीडियो? मेरे पास कुछ नहीं है सर। वो वीडियो डिलीट हो गई है। डिलीट हो गई है? वो कैसे डिलीट हो गई है? पता नहीं सर, शायद कोई गलत बटन दब गया। लो जी, हो गया काम। जिस सबूत की बिना पर मैं जजी पहलवान का बटन दबाना चाहता था उसी को डिलीट कर दिया आपके मेहनती बच्चे ने। लेकिन मैं गवाही दूंगा सर, मैंने अपनी आंखों के सामने ये कत्ल होते देखा है। इससे पहले कि तुम अपनी आंखों के सामने अपना कत्ल होते देखो, मैं तुम्हें एक मशवरा दूंगा। इस गंद में मत पड़ो, कानून को अपना काम करने दो। चले जाओ यहां से, सारे काम का बेड़ा गर्क कर दिया तुमने। सब मिले हुए जजी, पुलिस, तुम्हारा बॉस, सबके सब। लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना बाकी है, देखना तुम। मैं यहां हूं। दस्तक देने की क्या जरूरत है? आपका अपने घर है, अंदर आ जाइए। कहीं चाय पीने चले? अगर आपके पास वक्त हो तो। मेरे पास तो वक्त ही वक्त है। पोस्टमार्टम टेक्नीशियन के यही तो मजे हैं। अस्पताल आओ, हाजिरी लगाओ, अगर कोई केस आ जाता है तो उसकी चीर फाड़ करो, रिपोर्ट लिखो, एमएस से जाकर साइन कराओ और घर जाओ। घर नहीं जाना, चाय पे जाना है। आपने रिपोर्ट नहीं लिखनी? हाँ लिखनी तो है। अच्छा फिर जल्दी जल्दी रिपोर्ट लिखे, मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। बाहर नहीं, आप मेरी गाड़ी में बैठ के मेरा इंतजार करें, मैं 5 मिनट में आया। कौन? मैं शहरयार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मरियम कहाँ है? वो सो गई है, उसे नींद आ रही थी। मुझसे कहा कि आप आए तो दरवाजा खोल दो। अम्मी अब्बा? वो भी जल्दी सो गए थे। तुम भी सो जाओ। अल्लाह बख्शे मेरे नाने को, वो कहा करता था कि अकेले बंदे को घर के गुसल खाने में जाने में मौत पड़ती है, लेकिन दो बंदे हों तो बातें करते करते पैदल 300 से कराची तक भी जा सकते हैं। तेरा क्या ख्याल है? तेरे नाना के बारे में? नहीं यार, नाने के बारे में नानी के अच्छे ख्याल आते नहीं थे, तेरे कैसे होंगे? मैं तो ये कह रहा था बातें कर मुझसे तक टाइम अच्छा गुजरे। एक तो इस मशीन गन का वजन उठा रहा हूँ, ऊपर से तेरी खामोशी का बोझ भी मेरे कंधों पर है। फजूल बातों से बेहतर नहीं है कि हम टास्क पर फोकस करें। इस बात बता। बोल। घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो फिर क्यों उदास फिर रहा है? जब से आए हो बग्गू मलांग की तरह फिर रहे हो। बग्गू हमारी बस्ती का एक मलांग है,
जब उसे भांगनी मिलती ना उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसी आजकल तेरी हुई है। बहुत बोल रहा है तू आजकल। ये मैंने सिखाया है भाई, बोलना भी और बंदे को तोलना भी। तेरा वजन भी मैंने कर लिया है। नहीं अब तू बात तब्दील करने के बजाय मुझसे अपनी उदासी शेयर कर, मेरी जान दिल हल्का हो जाएगा। एक शर्त पर। हुक्म का। मैं अपनी उदासी का वजन शेयर करता हूँ, तू मेरा वजन शेयर कर, ताकि मैं जरा हल्का महसूस करूँ ना शेयर करते हुए। अन्ना लाला जी, वह पना पना अपना, तू इतना प्यारा भी नहीं है मुझे कि मैं तेरा वेपन भी उठाऊं। खुद मैं अल्लाह अल्लाह करके चल रहा हूं, तेरी वेपन का बोझ आ गया मेरे कंधों पर, तो मेरी लाश को कंधा कौन देगा? तो ठीक है ना, चुप करके चलता रहे, इसमें ये नहीं पता चलेगा कि मेरा और तेरी भाभी का झगड़ा किस बात पर चल रहा है। अब जब तू भाभी को दरमियान में ले आया है तो मैं कैसे इनकार करूँ? दे वेपन। औरतों की इज्जत करना गुलजार के ईमान का हिस्सा है। Not stop. Keep moving. Keep moving ahead. 10 मिनट के अंदर अंदर तेरी कहानी खत्म ना हुई ना तो मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। जल्दी बता, ये भाभी कौन है, कहाँ है, क्यों है, जल्दी बता। सांस तो लेने दे, बताता हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कि जैसे शेर को बकरी दिखा के शिकार करते हैं, तूने मुझे भाभी दिखा के फंसाया है। क्या हुआ जी सी गुलजार, चल। वेल डन बॉयज, डोंट स्टॉप, कीप मूविंग अहेड, कीप मूविंग। आजकल के जमाने में खत कौन लिखता है? पोस्ट ऑफिस तक बंद हो गए हैं, और किसके पास इतना वक्त होता है कि अपनी मसरूफ जिंदगी से 1 घंटा निकाल के पहले खत लिखे और फिर उसके बाद 1 घंटा लगा के पोस्ट करके आए? कौन सी मसरूफ जिंदगी, अगर अपनी स्केड्यूल और पीएमए की रूटीन तुम्हें बताओ ना तो लग पता जाएगा कि मैं कितना मसरूफ होता हूँ। फिर भी तुम्हें सोचने का वक्त मिलता है मुझे। तुमने तो 2 लफ्जों में मुझे टका दिया। मैं मेडिकल की स्टूडेंट हूँ और एक फोकस दिमाग ही मेडिकल कर सकता है। अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते ना तो आज तुम भी मेडिकल कर रहे होते, और तुम्हें लग पता जाता कि डॉक्टर बनना कितना मुश्किल होता है, कितना पढ़ना पड़ता है। 1 मिनट नहीं होता हमारे पास कोई फिजूल चीज सोचने का। क्या तुम हमारी रिलेशनशिप को फिजूल चीज कह रही हो? हैं, कौन सा रिलेशनशिप? अभी हम 3-4 बार ही मिले, अभी हमारी दोस्ती ठीक से नहीं हुई और तुम रिलेशनशिप पे पहुंच गए। फौजी कुछ तो खुदा का खौफ करो, आहिस्ता आहिस्ता चलो, भागने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कभी तुम्हारे पीछे नहीं भागा। भाग तो तुम रहे हो जीसी साथ। फिर तुम्हारी गलतफहमी है, मैं तो बस ये कह रहा था कि अगली बार डिटेल खत लिखना। कौन सी अगली बार? मैंने एक बार खत लिखने का वादा किया तो जो मैंने पूरा कर दिया। अब हम तभी मिलेंगे जब तुम छुट्टी पर आओगे, और उस वक्त मैं इस्लामाबाद में हुई तो नहीं, तुम्हें होना पड़ेगा। वाह जी वाह, अभी तुम अफसर बने नहीं हो और तुमने ऑर्डर चलाना शुरू कर दिया है। अफसर बन गए तो तुम किसी शरीफ इंसान को जिंदा नहीं छोड़ोगे? ऑर्डर नहीं, रिक्वेस्ट करना। हाँ, फिर सोचा जा सकता है। तो अभी सोच लो। अच्छा अम्मी, आप अपना और पापा का बहुत ख्याल रखें, मैं आपको सोच कर बताऊंगी। और हाँ, मुझे ना आप दिन में कॉल्स किया करें, वरना मेरी फ्रेंड समझती हैं कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है जो मुझे रात रात भर कॉल्स करता है। हमें रात 9 से 11 बजे तक कॉल करने की इजाजत मिलती है, उसके बाद कॉल नहीं कर सकते। और अगर तुम्हारी फ्रेंड शक कर रही है तो करने दो, बल्कि जैसे मुझे शराब कॉल दिया वैसे उनको भी दे दो। अभी ना आप चुप करके सुकून से सो जाएं, हम घर पे बात करेंगे इस इशू पर। ओके, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज। अरे आखिरी बात तो सुन लो। हेलो, क्या 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 हो रहा है? अडर नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिस तरह मुझे शेडअप कॉल देती हो इन्हें भी दो ना। फौजी ना रोते हैं ना रिक्वेस्ट करते हैं और ना ही किसी की शटअप कॉल सुनते हैं, क्यों जीसी गुलजार? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जीसी शरीफ, लेकिन इस बार माफ कर दो अपना ही बच्चा। आखिरी टर्म तक बड़ा हो जाएगा, फिर ना शटअप सुनेगा और ना रिक्वेस्ट करेगा। जाने दो यार, घबराया हुआ है। और तुम भी वादा करोगे, आइंदा एहतियात करोगे?
अच्छा ओके, वादा करता हूँ कि आइंदा कभी रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि उसके पैर पकड़कर ये कहूंगा कि क्या कहोगे